नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रगति उद्यान सेल राउरकेला स्टील प्लांट की ग्रीन पहल का एक सुंदर उदाहरण। आरएसपी में 1500 से अधिक विद्यार्थी अवकाशकालीन प्रशिक्षण के लिए शामिल। और राउरकेला स्टील प्लांट का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर पूर्ण गति से चल रहा है। अब समाचार विस्तार से। इस्पात उद्योग सामान्य रूप से गर्मी, धूल और धुएं में अधिक प्रवृत्त होने के रूप में जाना जाता है और सेल राउरकेला स्टील प्लांट इसके साथ एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है। आकर्षक फव्वारे, असंख्य प्रकार के फूल पौधे का क्रम और शानदार कलाकृति के साथ कई खूबसूरत लैंडस्केप वाले बगीचे प्रकृति और सौंदर्य से आरएसपी सामूहिक आपसी प्रेम की गवाही देते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यस्थल पर हरा और शांत माहौल कर्मचारियों के गौरव और भावना को बढ़ावा देता है। प्रगति उद्यान आरएसपी के अत्याधुनिक न्यू प्लेट मिल के साथ एक उद्यान प्लांट के हरित पहलों में से एक है। आरएसपी के सीईओ श्री अश्विनी कुमार ने लगभग 15,000 वर्ग मीटर बंजर भूमि को बदलकर विकसित किए गए सुंदर उद्यान का उद्घाटन किया है। इसमें मैनिक्योर लॉन के साथ कलात्मक रूप के लैंडस्केप वाला बगीचा और लगभग 500 विभिन्न प्रकार के पौधे एवं रंगीन फव्वारे की व्यवस्था है। बगीचे के मध्य में सैन्य टैंक की एक प्रतिकृति स्थापित की गई है। शॉप के अंदर स्क्रैप से निर्मित स्मारक राष्ट्र के रक्षा क्षेत्र में आरएसपी के योगदान को दर्शाता है। पानी का छोटा कुंड, पत्थर और सीमेंट की मूर्तियाँ और आदिवासी चित्रकला ने उद्यान की सुंदरता को और भी सुशोभित कर दिया है। राउरकेला स्टील प्लांट में 1500 से अधिक गैर स्नातक इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए अवकाशकालीन प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। द्वितीय बैच के 752 विद्यार्थियों को 29 मई को प्रवेश दिलाया गया, जबकि पहले बैच के 774 विद्यार्थियों को 15 मई को प्रवेश दिलाया गया था। गोप बंधु ऑडिटोरियम में दोनों बैच के लिए औपचारिक प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संभागियों को एकीकृत स्टील प्लांट की गतिविधियों और आवश्यक सुरक्षा हेतु सावधानी बरतने की जानकारी देना था। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की बेहतर जानकारी के लिए इस अवसर पर सुरक्षा उपायों एवं आरएसपी के परिदृश्य पर एक वृत्त चित्र दिखाया गया। सहायक प्रबंधक एचआरडी श्री एल मरांडी ने संभागियों को आरएसपी तथा इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्रक्रिया, प्रवाह, उत्पाद एवं अनेकों अन्य संबंधित विषयों पर जानकारी दी। विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान पालन किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों से भी अवगत किया गया। प्रोटोकॉल एवं हॉस्पिटैलिटी विभाग के श्री अमिताभ ठाकुर ने सुरक्षा नियमों एवं निर्देशों पर एक सत्र लिया। इसके बाद विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विभागों में ले जाया गया। सहायक प्रबंधक एचआरडी श्री पी के दास ने कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि राउरकेला स्टील प्लांट प्रत्येक वर्ष हजारों गैर स्नातक इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए अवकाशकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, जिसमें आरएसपी कार्मिकों की संतान या उनके संबंधी शामिल होते हैं। कार्यक्रम की अवधि पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुसार 15 से 45 दिन का होता है। तीसरा बैच 5 जून से प्रारंभ होगा। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी का 32वां वार्षिक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर इस्पात शहर के विभिन्न स्थानों जैसे बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, इस्पात स्टेडियम, इस्पात बास्केटबॉल परिसर, इस्पात इंडोर स्टेडियम, इस्पात स्टेडियम के शतरंज कक्ष और कुछ अन्य परिसरों में पूर्ण गति से चल रहा है। विभिन्न आयु वर्ग के 1200 से अधिक युवाओं ने खेलकूद, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, चेस, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और वेट लिफ्टिंग जैसे 14 विभागों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। संबंधित विभागों में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण प्रदान कर दिए हैं। प्रतिदिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पहले योग कक्षाएं आयोजित किए जा रहे हैं। यह शिविर 1 जून को समाप्त होगा। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार।